इंतजार इंतजार है कैच का, पहले ही गेंद के ऊपर विकेट, शुरुआत हुई है विकेट के साथ यहाँ पर, यानी कि भव्य इलेवन योगेश किंग ने कुछ ना कुछ एक रणनीति बनाई है, जहां पर आ रहे आर फाउंडेशन रिबरा का पहला विकेट गिरा दिया। फलस्वरूप स्कोर जा पहुंचा है 5 रन, आर्या रिबड़ा आर्या फाउंडेशन रिबड़ा 11 का एक महत्वपूर्ण साझेदारी करना चाह रही है आर्या फाउंडेशन रिबड़ा। कप्तान गेंदबाजी के ऊपर अभी ने टॉस किया था, वहां गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे महिपाल के लिए। ऐसा करते स्कोर 4 रन है, स्कोर 4 रन। इस बार स्वीप किया गया, इस बार गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की और कोई रन नहीं वहां पे। विकेट कीपर की सेवा दी जा रही है राकेश षडपति की ओर से, उसके ठीक बाजू में उर्वेश षडपति है, पारस नायक फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट फाइन लेग के सन की ओर, उसके ठीक पीछे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग जीत पटेल फीडिंग कर रहे शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर, हर्ष देसाई फीडिंग कर रहे शॉर्ट कवर के सन के ऊपर, अंकित और फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। इस बार टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद गेंद गई उर्वेश षडपति की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 का 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का प्रारंभिक ओवर किया जा रहा है अभी खजोत की ओर से। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले ओवर, वीरूबा वाघेला बल्लेबाजी के ऊपर, पिछले 6 महीने महत्वपूर्ण रहे वीरूबा वाघेला की ओर से, और इस बार के आरंभ से विकेट स्टॉक को खेला, गेंद गई वहां पे फ्लाइंग स्लिप की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए उर्वेश षडपति की ओर से, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 का 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आरआर फाउंडेशन रिबड़ा। पहला ओवर अगर देखा जाए तो अच्छा भी है खराब भी है, 1 विकेट गिर चुका है आरआर फाउंडेशन के लिए, कुछ ना कुछ मन बनाकर आई है आज भव्य 11 योगेश किंग। देखिए पहला मुकाबला भव्य 11 योगेश किंग के लिए बहुत ही खराब रहा था, आरआर फाउंडेशन रिबड़ा का भी कुछ उसी तरह का हाल था। ये मुकाबला वैसा है कि दोनों टीमों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर जीतते हैं तो फिर चांस है, अगर हारते हैं तो फिर घर जाकर सोना है, यानी कोई कुछ ना कुछ रणनीति मेहनत ये जरूर करनी होगी दोनों टीमों को इस मैच के लिए, अगर इसके बाद का मुकाबला खेलना है तो।
टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो मेहनत ऑर्गेनाइजिंग टीम ने की है, मिस्टर अंकित तिवारी, मिस्टर पीयूष तिवारी, मिस्टर गौरव चांडक और मिस्टर करण नांद्रे, एक बेहतरीन आयोजन सूरत की धरती पर एक बड़ा आयोजन लेकर आई है ये टीम वाइकिंग ग्रुप VKPL 4.0। पारस नायक के हाथों में गेंद थमाई गई है अब दूसरे नंबर के गेंदबाज के रूप में। देखिए पावर प्ले का जो एक ओवर था वो समाप्त हो चुका है, फील्डिंग फैलाई गई है अब क्योंकि पांच ओवरों का ये मुकाबला है। अगर देखा जाए तो शॉट पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी को तैनात कर दिया है, शॉट थर्ड में एक खिलाड़ी है, शॉट फाइनल एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर रखा गया है, लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री। अच्छी गेंद थी, छेड़खानी करने का प्रयास था वहां पर, सीधी कीपर के दस्तानों में गई, कोई रन नहीं। पारस नायक एक लंबा अनुभव है गेंदबाजी का। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लालू मरोली, दो गेंदों को डॉट निकालने के बाद एक सिंगल जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड के अंदर, और स्कोर पहुंच चुका है 7 रन आरआर फाउंडेशन रिबड़ा के लिए। पिछले साल आरआर फाउंडेशन ने एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया था राजकोट के अंदर। एक और रिवर्स अटेम्प्ट, लेकिन इस बार देखिए फील्डर तैनात थे डीप बैक वर्गली के स्थान पर, सिंगल का मौका था वहां पर एक बार फिर, लेकिन पहली चार गेंदों की कहानी पारस, केवल 2 रन लिखे गए हैं वैसे इस कहानी में, स्कोर है 8 रन। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार गैप बंदों में कामयाबी, देखिए लंबा पीछा किया जा रहा है, आखिरकार गेंद पर आ चुकी है 4 रनों के लिए। सुपर फोर हॉस्पिटल यूथ फॉर गुजरात, मिस्टर जिग्नेश पाटिल जी, प्रेसिडेंट ऑफ यूथ फॉर गुजरात, एंड ही सर आल्सो रेड डेविल नोएडा इज आल्सो स्पॉन्सर, एंड को स्पॉन्सर इज सीके फास्ट फूड। अंपायर्स की भूमिका मिस्टर सुशांत मांजरेकर, मिस्टर अमित गुलतकर, मिस्टर संकेत पटेल एंड मिस्टर नीरव पटेल। स्कोरिंग की सेवा यस पटेल द्वारा दी जा रही है। लाइव टेलीकास्ट tenniscricket.in। देखिए हमारी कमेंट्री पैनल की बात की जाए तो आज जुड़े हैं द वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरेश पंड्या सर, मिस्टर चंद्रकांत सेठे सर, मिस्टर अजीज बोरिया सर एंड मिस्टर राजेश आचार्य सर। देखिए वाइट का संकेत जरूर मिला है अजीज भाई, देखिए पहली 2 ओवरों में 6 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाएगा, आप क्या कहना चाहेंगे आप? डिसिप्लिन गेंदबाजी की जा रही है यूकेश किंग बविया 11 की ओर से, इस बार रिवर्स शिफ्ट खेला जा रहा है, इस बार गेंद जा रही है, देखिए कैच है फैनिल के लिए, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है फैनिल पटेल की ओर से डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। तेरह रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। गेंदबाजी की जा रही है योगेश किंग बविया 11 पिपलौत की ओर से,
कप्तानी गेंदबाजी की जा रही है अभी खजोत की ओर से। एसबीसी ट्रॉफी महत्वपूर्ण रहा है, सुमित ढेकरे के नेतृत्व में ये लॉकडाउन के पीरियड में भी खेल चुके हैं। सूरत की ओर से अनिकोत ओड फील्डिंग कर रहा है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक बहुत ही राइजिंग स्टार्स के गेंदबाज माने जाते हैं, उनको शामिल किया जा रहा है टीम कैप्टन राकेश भाई हटपति की ओर से। को खेला गेंद गई वहां पे शॉट गली की दिशा में, जब तक गेंद को आगे आकर फील किया जाए अनिकेत ओड की ओर से और जमीन के समानांतर थ्रो दिया जाए राकू हटपति की ओर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 का 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह तीसरा ओवर चल रहा है। शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर हर्ष देसाई, शॉर्ट फाइनल के स्थान के ऊपर ओडवेश हटपति, याग्निक पटेल रिका फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है ऑन साइड के क्षेत्र में, अनिकेत ओड को अब शामिल किया जा रहा है शॉर्ट स्क्वेयर लेग के स्थान के ऊपर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये ऑफ और ऑन साइड की फील्ड की सजावट की जा रही है अभी खजोत की ओर से बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश सोलंकी। इधर जड़मेदारी की गेंद थी आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर, जब तक गेंद को बाईं ओर जाकर फील किया जाए अभी खजोत की ओर से। एक रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 का 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 15 रन। महत्वपूर्ण साझेदारी चाहिए, मतलब स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है आरआर फाउंडेशन रिबड़ा की टीम को। इस बार पावर के साथ स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे और ये कैच लिया जा रहा है जीत पटेल की ओर से शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के स्थान के ऊपर। महत्वपूर्ण कैच लिया जा रहा है जीत खजुंडी की ओर से। 15 के निजी ओके पर लगने वाले चौथे विकेट का नुकसान है आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 को। योगीराज सिंह राणा बल्लेबाजी के ऊपर जा रहा है आरआर फाउंडेशन रिबड़ा की ओर से, एक बहुत ही ताकतवर बल्लेबाज है। स्थितियां बहुत अलग चल रही है आरआर फाउंडेशन रिबड़ा की ओर से। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है अभी खजोत की ओर से। अभी तक 11 गेंदे की 9 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर चुके हैं अभी खजोत। स्क्वायर कट करना चाह रहे थे, गेंद गई विकेट कीपर राकू हटपति की दिशा में। इस प्रकार ओवर की समाप्ति सुशांत बांजरेकर सर की ओर से 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 का 15 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये पारी के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 15 रन अगर देखा जाए तो 5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए गए हैं। देखिए गति को बढ़ाना होगा, रनों की जो गति है उसे आरआर फाउंडेशन रिबड़ा के लिए बढ़ाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है इस मैच के लिए। योगेश किंग एंड भव्य 11 के गेंदबाज तो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं आज इस दूसरे मैच में। योगेश किंग एंड भव्य 11 ये टीम है सतीश जी सूरती और योगेश भाई ओड की, आरआर फाउंडेशन ये राजदीप सिंह सर की टीम है फ्रॉम रिबड़ा। और देखिए सतीश जी के लिए एक बात जरूर कहूंगा, एक और प्लेटफॉर्म उन्होंने रखा है सूरत के खिलाड़ियों के लिए जो जनवरी के महीने में होने वाला है सूरत प्रीमियर लीग। 10, 11 और 12 जनवरी 2025 के रोज होने वाला है वो टूर्नामेंट सूरत की धरती पर, सूरत के सारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छे समाचार है। बिग बैस फॉर्मेट में टूर्नामेंट होगा, 12 टीमों के बीच होगा और ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट। अनिकेत ओड आए हैं गेंदबाजी में, बात की जाए अनिकेत की तो ये सबसे युवा गेंदबाज है।
पहले ही इनके ऊपर प्रहार किया है, मिड विकेट का रास्ता दिखाया, इंतजार है कैच का और आखिरकार अनिकेत को मिलने वाली ये सफलता। आते ही विकेट हासिल किया है अनिकेत हॉट ने। याग्निक मौजूद थे वहां पर मिड विकेट सीमा रेखा पर और एक आसान सा कैच बाउंड्री लाइन के ऊपर लौटाया गया है। अब पवेलियन में पहली गेंद के ऊपर निसार मंसूरी आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, नहीं बल्लेबाज के रूप में। क्विकिंग प्रीमियर लीग 4.2 एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन सूरत की धरती पर एक बड़े पैमाने में किया गया। देखिए जोड़ी है मैदान के ऊपर निसार मंसूरी और योगीराज सिंह की, कुछ ना कुछ करिश्मे कुछ ना कुछ चमत्कार मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के जरिए दिखाने होंगे। अनिकेत हॉट एक बार फिर अपने बॉलिंग मांग पर, फुलन के पास ही करने का प्रयास किया जा रहा है, सम्मानीय स्ट्रोक था, सिंगल मिलेगा। आज का ये इट इज अ फेयर डिलीवरी, इट इज अ फेयर डिलीवरी, यानी कि चौका मिलेगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, द स्कोर मूव्स ऑन 26, 26 रन, चार ओवरों के बाद स्कोर है 26 रन, पांच विकेट के नुकसान पर आ रहा है फाउंडेशन रिबड़ा। देखिए आज की बात, आज के दिन की बात की जाए तो दो टीमें, तीन टीमें पहुंच चुकी है सुपर सिक्स के लिए। सबसे पहले सीएसके धमाका ने प्रस्थान किया था सुपर सिक्स में, दूसरी तरफ बात की जाए तो डॉन इलेवन कोलकाता, उन्होंने सुपर सिक्स में प्रस्थान किया। तीसरी टीम की बात की जाए तो रेड डेविल नोएडा रायगढ़, उन्होंने भी सुपर सिक्स में प्रस्थान कर लिया है। अजीज भाई आखिरी आखिरी छह गेंदों का खेल बाकी है अब आरआर फाउंडेशन रिबड़ा के लिए, इन छह गेंदों में कुछ ना कुछ करके दिखाना है, स्कोर को आगे बढ़ाना है। फिलहाल है 26 रन, कितनी गिनती रखते हैं आप, कितने रन और बनाए जा सकते हैं इन छह गेंदों में। बारह पंद्रह की सोच की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। जीत पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है, दूर वाले छोर से बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए जीत पटेल। निशांत और जोगीराज सिंह राणा ये दो महत्वपूर्ण बैट बल्लेबाजी के ऊपर, फिर ही फिर शामिल की जा रही है राकू हटपति विकेट कीपर के रूप में, शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर उर्वी षटपति, और इस बार फाइनल एक सत्र में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई चार रन के लिए, खूबसूरत चौका लगाया गया बल्लेबाज, चार रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 का 30 रन। ये दोनों बल्लेबाजों के बीच की अभी तक की महत्वपूर्ण साझेदारी निसर और जोगीराज राणा के बीच, हर्षदेव सही फील्डिंग कर रहा है शॉट फाइनल के सन के ऊपर, याग्निक फील्डिंग कर रहा है सीधे डीप फाइनल बाउंड्री लाइन के ऊपर, और इस बार शो को खेला बल्लेबाज ने, फील्डर गेंद के नीचे आए, पोजीशन बनाई गई डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से,
कौन से? स्कोर इस बीच रुका हुआ 30 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। थर्ड अंपायर इमीडिएटली कॉन्टेक्ट हियर, मैच को कोई रोका जाए तो कुछ मिनट के लिए। इंपैक्ट कौन सी जगह के ऊपर कौन सा आएगा, मतलब कौन सा बाहर जाएगा और कौन सा इंपैक्ट में, इसके लिए बातचीत होने जा रही है। थर्ड अंपायर इमीडिएटली कॉन्टेक्ट हियर। संकेत भाई आ जाए आप।
और की जा रही है, ये फाइटिंग स्कोर की और भी आगे बढ़ रही आ रहे हैं। फाउंडेशन रिबड़ा राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है जीत खजूडी की ओर से। इस बार पैर फिसला जरूर था, गेंद गई वहां पे उर्वेश हड़पति की दिशा में, कोई रन नहीं वहां पे। स्कोर इस बीच रुका हुआ आरियर फाउंडेशन रिबड़ा 11 का 30 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का पांचवा और अंतिम ओवर चल रहा है, दो गेंदों का खेल शेष। इस बार स्ट्रेट ड्राइव शो को खेला जा रहा है, फील्डर गेंद के नीचे आए और जब तक गेंद को फील किया जाए आ गया कर तब तक एक रन मिलेगा। खूबसूरत फील्डिंग की जा रही है वहां पे, इस बार रन आउट किया जा रहा है, नॉट स्ट्राइक। स्कोर 31, 31 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। यह आखिरी कब जा रहा है डीप फाइनल बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप स्क्वेयर लेग विकास दकवाड़ा इस बार स्टोक को खेलने की कोशिश जरूर की गई थी, आउटसाइड इन इस प्रकार डॉट गेंद। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 ने 31 रन बनाए और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है योगेश किंग बविया 11 पिपलो दी 11 को 32 रन 30 गेंदों के ऊपर। 30 बॉल 32 टारगेट। ये मुकाबला वैसे दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीतना जरूरी है अगर आखिरी मुकाबला खेलना है तो।
VKPL 2024 4.0 ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अंकित तिवारी, पीयूष तिवारी, गौरव चांडक एंड करण नांद्रे, पावर्ड बाय ब्रेन काफे कोचिंग एकेडमी में अंकित तिवारी, स्पॉन्सर विकेट एक्वा चेसर्स, टॉस का बॉस गनुबा रियल एस्टेट मिस्टर विजय जैन, ट्रॉफी स्पॉन्सर आई एम लॉजिस्टिक एंड आई एम आंगड़िया मिस्टर रवि पटेल, इवेंट पार्टनर विक्टोरिया इवेंट, मेडिकल एंड फिजियो पार्टनर इज नियोपोलिस हॉस्पिटल, यूथ फॉर गुजरात मिस्टर जिग्नेश पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ यूथ फॉर गुजरात एंड ही इज ग्राउंड स्पॉन्सर ऑल्सो, रेड डेविल नोएडा वन मोर स्पॉन्सर, फूड सी के फास्ट फूड, द अंपायर्स कमिटी अंपायर्स पैनल इज सुशांत मांजरेकर, मिस्टर अमित गुलाटकर, मिस्टर संकेत पटेल एंड मिस्टर नीरव पटेल, क्रिक हीरो स्कोरिंग बाय मिस्टर यश पटेल, लाइव टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट डॉट इन, कमेंटेटर पैनल द वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरेश पंड्या सर, मिस्टर चंद्रकांत सेठे सर, मिस्टर अजीज बुड़िया सर एंड मिस्टर राजेश आचार्य सर। देखिए इंपैक्ट प्लेयर भव्य 11 और योगेश किंग के लिए जैनिस पटेल, अंकित आउट को वैसे रिप्लेस किया गया है इंपैक्ट के रूप में, जैनिस पटेल आएंगे। तो प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर अब उपस्थित हो चुकी है। देखिए प्रारंभिक जोड़ी के रूप में हर्ष देसाई और जैनिस पटेल को भेजा गया है। 32 की चुनौती है मैदान पर जो आरआर फाउंडेशन रिपड़ा ने रखी है योगेश किंग एंड भव्य 11 पिपलोद के लिए। इसके बाद एक और मुकाबला वैसे खेलना शेष है जहां पर इंतजार किया जा रहा है। बालाजी क्लब राजकोट इंतजार कर रही है अगले मुकाबले के लिए। जो भी टीम जीतेगी यहां पर आरआर फाउंडेशन रिबड़ा और योगेश किंग एंड भव्य 11 के बीच में उनका सामना जरूर होगा बालाजी क्लब राजकोट के सामने। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं जैनिस पटेल, अनिकेत ऑड की जगह पर गेंदबाजी पर आए हैं जयवीर पानकुटा। देखिए पहला ओवर पावर प्ले के रूप में पहली गेंद रिवर्स एटम करने का प्रयास था, देखिए क्या डिसीजन आता है ये देखने लायक रहेगा और आखिरकार लौटना पड़ेगा पवेलियन में। पहली गेंद के ऊपर विकेट का नुकसान हुआ है।
विकास दकवाड़ा की बल्लेबाजी में लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। बाहरी किनारा जरूर लिया था साहब, थर्डमैन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी तैनात दिखे। जब तक गेंद को फील किया जाता रन का मौका था, सिंगल निकाला गया है, स्कोरबोर्ड के ऊपर रन जोड़ा गया है। अब जैनिस पटेल अब आए हैं वैसे स्ट्राइक गेंद पर, सुर्खियों पर छाया हुआ है विकिंग प्रीमियर लीग जिसे ऑर्गेनाइज किया है विकिंग ग्रुप ने। एक सुंदर और भव्य आयोजन इस मैदान के ऊपर, भीमराट की ऐतिहासिक धरती गांधी मैदान पर। जाने दिया कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद यहां पर देखिए। पहली तीन गेंदों की कहानी, एक रन आया आ चुका है, एक विकेट आ चुका है। जिस तरह की शुरुआत आरआर फाउंडेशन रिबड़ा की बल्लेबाजी की हुई थी उसी तरह की वही पुनरावर्तन वैसे दिखाया जा रहा है, वही शुरुआत की गई है। हल्के हाथों से खेल दिया, देखिए फील्डर बाजू दबा पर टारगेट करने का प्रयास था, लेकिन देखिए काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, आखिरकार रन निकाल लिया गया इस गेंद के ऊपर। देखिए पर्याप्त वक्त था, एक सही थ्रो की आवश्यकता थी, एक सही कलेक्शन की आवश्यकता थी वहां पर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, दो रन एक विकेट के नुकसान पर, यह पहला ओवर प्रगति पर है। ये गलती है, गलती जरूर कहूंगा, जहां पर रन नहीं था वहां पर रन निकाल लिया गया है। स्कोर आगे बढ़ चुका है, कुल मिलाकर तीन रन एक विकेट के नुकसान पर। जैनिश पटेल आए हैं स्ट्राइक गेंद पर, अपील हुई थी वहां पर, लेग बाइस का संकेत मिला है। देखिए जैनिस पटेल है, जीत पटेल है, विकास दकवाड़ा है, कई ऐसे चेहरे हैं जो चमके थे पिछले साल एसटीपीएल की कहानी में। यहाँ पर सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग खिलाया गया था, गांगेश वालवी जी ने ये आयोजन किया था बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, और कई चेहरे चमके थे। और उस टूर्नामेंट की बदौलत कई खिलाड़ियों को बड़ी टूर्नामेंट्स में अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला। उसी तरह का एक और टूर्नामेंट सूरत की धरती पर एसपीएल के रूप में यानी कि सूरत प्रीमियर लीग के रूप में होने वाला है। जिस तरह से वाइकिंग प्रीमियर लीग वाइकिंग ग्रुप ने जो आयोजन किया है, कई चेहरों को मौका मिलेगा बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए, वाइकिंग ग्रुप ने रख दिया है यहां पर भीमराट की धरती पर। पहला ओवर समाप्त, कुल मिलाकर चार रन एक विकेट के नुकसान पर योगेश किंग एंड भव्य 11। अब आने वाली 24 गेंदों के अंदर 28 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अजीज सर 24 गेंदों के अंदर 28 रन, क्या आरआर फाउंडेशन रिबड़ा के गेंदबाज हावी होंगे या फिर योगेश किंग एंड भव्य 11 के बल्लेबाज इन 28 रनों को आसानी से चेस करने की ताकत रखते हैं।
पहले ओवर को देखते हुए जो चार रन दिए गए, मतलब एक अनुशासन भरी गेंदबाजी की गई आरआर फाउंडेशन रिबड़ा की ओर से। ये ज्यादा बेसिक के ऊपर जाना चाह रही है आरआर फाउंडेशन रिबड़ा, और दूसरी ओर छोटी और निर्णायक पारी खेलना चाह रहा है योगेश किंग भविया इलेवन के बल्लेबाज के। मेंटरशिप की जा रही है स्वप्नेश पटेल की ओर से। ये योगेश किंग भविया इलेवन के मेंटोर है स्वप्नेश पटेल। लंबा डिस्कशन होने जा रहा है आरआर फाउंडेशन रिबड़ा इलेवन के कप्तान में, और स्ट्राइक के ऊपर है जैनिस पटेल। कौन है बॉलिंग में? बॉलिंग में कौन है? सुरेश नाथ। और इस बार हुक किया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स खेलने की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए केवल एक ही रन वहां पे। रोहित गेंदबाजी की जिम्मेवारी रोहित के सिरों रखी जा रही है वीरू की ओर से। इस एक रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता हुआ योगेश किंग भविया इलेवन का पांच रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 23 गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एक डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर जयवीर डीप मिड विकेट, और इस बार हुक किया है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर की ओर से। निश्चित तीन रन बचाया जा रहा है शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर की ओर से। ये छोटी गेंद जरूर थी वहां पे गेंदबाज की ओर से, फायदा नहीं उठा पाए योगेश किंग भविया इलेवन के बल्लेबाज। एक रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 22 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बढ़ चढ़ कर पूरी जीजान मेहनत की जा रही है दोनों टीम की ओर से कि कैसे भी ये मुकाबला जीता जाए और बालाजी इलेवन के साथ खेले। ये पूरी रणनीति है दोनों टीमों के बीच और अंत तक लड़ना जानती है दोनों टीमें। स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जैनिस। फिर आई फिर देखिए स्ट्रेट लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। ऑन साइड की फील्ड की सजावट है जैनिस के लिए। ऑफ साइड के क्षेत्र में शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट पॉइंट डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। शॉर्ट लॉन्ग ऑफ और शॉर्ट लॉन्ग ऑन सर 30 गज के दायरे के अंदर रखे जा रहे हैं गेंदबाज रोहित की ओर से। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो किया जाए फिसल गए वहां पे, और फलस्वरूप ये दूसरा रन भी मिला है पिछले दूसरे लेकिन एक रन और दो रन मतलब कुल मिलाकर दो रन लिया इस गेंद के ऊपर। दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। 21 गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए योगेश किंग भविया इलेवन को। इधर बिंदी गेंद वहां पे एक समतल उछाल जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था बल्लेबाज की ओर से। लेंथ और लाइन के ऊपर ये बने रहे इस ओवर में गेंदबाज रोहित आरआर फाउंडेशन रिबड़ा के लिए। और इस बार हुक करना चाह रहे थे गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। फील्डर है वहां पे डीप फाइन लेग के ऊपर केवल एक ही ये रन आउट हुए वहां पे दूसरे रन के प्रयास में। स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज जैनिस, और जैनिस के स्थान के ऊपर राघु हड़पति।
बल्लेबाजी के ऊपर गए हैं राकेश अटपति। अब यहां है नूर भाई के, अब अपने जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस अब किए जाए दोनों टीम की ओर से। पहले 31 रन बनाए गए 8 विकेट के नुकसान के ऊपर आ रहे हैं और फाउंडेशन रिबड़ा 11 ने 5 सीमित ओवरों की मैच में, उसके बाद लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रही आ रहे हैं फाउंडेशन रिबड़ा। 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। अभी तक पिछली 5 गेंदों के ऊपर 5 रन दिया और इस ओवर में रनआउट हुआ। रोहित गेंदबाजी के ऊपर, एक युवा गेंदबाज की ओर गए हैं कप्तान वीरूबा। स्ट्राइक के ऊपर विकास, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर राकेश अटपति। एक डीप बैकवर्ड स्क्वेलेग भी है, जयवीर फील्डिंग कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बैकवर्ड स्क्वेलिंग, इस बार कैच आउट वहां पे। 9 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 32 रनों के जवाब में 2 ओवर 9 रन 3 विकेट। कमाल की गेंदबाजी की जा रही है आरआर फाउंडेशन रिबड़ा की ओर से। रोहित और जयवीर पनखुटा ने ओवर किए, जयवीर पनखुटा ने एक ओवर में 3 रन दिए 1 विकेट और रोहित एक ओवर 5 रन। बल्लेबाजी के ऊपर गए याग्निक पटेल, 2 ओवर और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। दो ओवर की समाप्ति 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अब आने वाली 18 गेंदों के अंदर 23 रन यानी कि 23 रनों की जरूरत रहेगी। बहुत ही बहुमूल्य गेंदबाजी की जा रही है आरआर फाउंडेशन की ओर से। स्कोर इज 9 रन 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदों के अंदर 23 रन मैच को जीतने के लिए। याग्निक पटेल और राकेश अटपति ये जोड़ी है मैदान के ऊपर अब भव्य 11 एंड योगेश किंग की ओर से। देखिए गेंदबाजी पर अब सचिन परमार के हाथों में गेंद थमाई गई है इस तीसरे ओवर के खेल के लिए। एक छोटी सी टीम मीटिंग हुई थी कि किसके हाथों में गेंद थमाई जाए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। सचिन परमार एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर लगाया गया है, डीप बैकवर्ड के लिए स्थान पर बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी सीधे बल्ले से खेला है, देखना होगा पहुंचा दिया है गेम को 6 रनों के लिए। बहुत ही करारा हिट वहां पर लगाया गया राकेश, राकेश अड़पति की ओर से ये सिक्सर। अब उल्टा पुल्टा कर दिया है, फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार जमीन के समानांतर
डाउन द ग्राउंड जब तक गेंद को फील किया जाए। देखिए पहला रन तो तेजी से निकाला था, लेकिन याज्ञिक पटेल दूसरे रन की चाह में थे वहां पर सिंगल के साथ। द स्कोर मूव्स ऑन 16, 16 रन। सोलह गेंदों के अंदर अब 16 रन, रनों की आधी मंजिल पर पहुंच चुकी है योगेश किंग एंड भव्य 11। इस बार देखना होगा बैकवर्ड गली के स्थान पर फील्डर तैनात है वहां पर, कोई गलती नहीं, सिंगल आसानी से निकालते हुए। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 17 रन। हर एक गेंद कीमती है, हर एक रन कीमती है, देखा जाए तो ये मुकाबला बराबरी पर है अभी। यहां से चल के किसी भी टीम के हाथों में जीत आ सकती है। कल वैसे सुबह ठीक सुबह 9 बजे पहला मैच रहेगा एमयूसीसी संबलपुर वर्सेस रॉकी 11 अहमदाबाद। और दूसरा मैच रहेगा डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल वर्सेस एलके स्टार राजकोट। पहला मैच एमयूसीसी संबलपुर वर्सेस रॉकी 11 अहमदाबाद, वो ठीक 9 बजे, और उसके बाद रहेगा डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल वर्सेस एलके स्टार राजकोट। रिवर्स एडम किया है, इंतजार है कैच का, आसान सा कैच, देखिए पहला प्रयास दूसरे प्रयास में वो कैच हुआ और आखिरकार विकेट का पतन हुआ। लगने वाला ये चौथा जेट का योगेश किंग एंड भव्य 11 को। देखिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, विकेट गिरना ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आखिरी गेम के ऊपर विकेट आया है। 12 गेंदों के अंदर अब 14 रनों की आवश्यकता भी रहेगी मैच को जीतने के लिए। रोहित वहां पर मौजूद थे और कोई गलती नहीं की, बहुत ही बेहतरीन कैच। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों के बाद 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंद 14 रन। अजीज भाई किस नजरिए से देखते हैं अब 12 गेंदों के अंदर 14 रनों को। ये ओवर महत्वपूर्ण ओवर रहेगा जो पारी का चौथा ओवर है। इसमें कोशिश यही की जाएगी आरआर फाउंडेशन रिबड़ा की ओर से कि जो मतलब प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट है 12 में 14 रन चाहिए, मतलब यहाँ 6-7 का ओवर करना चाह रही है। और दूसरी ओर योगेश किंग भव्य 11 चाहेगी कि इस ओवर में 10 से 12 रन बनाए, मतलब 8-10 के बीच रन बनाए जाए। ये पेनल्टी मिनट ओवर है, ये डिसाइड भी कर देगा कुछ हद तक। क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है, जब तक मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन न लिया जाए टीम की ओर से भविष्यवाणी करना उतना उचित नहीं है क्रिकेट में। 12 गेंदों में 14 रन चाहिए और गेंदबाजी की जिम्मेवारी जयवीर ने भी संभाली थी कि बातचीत होने जा रही है, जयवीर को शामिल किया जाए या न किया जाए, एक लंबी बातचीत होने जा रही है आरआर फाउंडेशन रिबड़ा 11 के 4-5 सीनियरों के बीच। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी जयवीर ने भी संभाल रखी, पहले उन्होंने भीमराड एंड से गेंदबाजी की थी, अब स्टेडियम एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं जयवीर। पहले ओवर में केवल 3 रन, कसावट भरी गेंदबाजी की गई थी जयवीर की ओर से। ये मुकाबला एकदम बन चुका है दोनों टीम के लिए।
ये ओवर के ऊपर काफी निर्भर करेगी दोनों टीमें। 12-14 का ये मैच, 12 गेंदे 14 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और स्ट्राइक के ऊपर है राकेश अडपति, ये गुजरात और गुजरात के बाहर बड़ी पति बड़ी टीमों भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राकेश अडपति आज वही परफॉर्म करना चाहेगी ये दोनों टीमें कि इस ओवर में कम से कम रन दिए जाए या राकेश अडपति का विकेट लिया जाए, ये सोच की जा रही है जयवीर पनखुटा की ओर से। ये फेराई फील, एक डीप बैकवर्ड स्क्वेल, एक शॉर्ट फाइल, एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर, एक बार चेंज ऑफ पेस किया वहां गेंदबाज की ओर से, खूबसूरत गेंदबाजी वहां जयवीर की ओर से। अब गेंदे बच रही है 11 में अब चाहिए 14 रन। जैसे डॉट गेंद आएगी वैसे प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम योगेश किंग भविया 11 के पास। एक अच्छा अनुभव है देखे ये दोनों गेंदबाज बल्लेबाजों के भी लिए। जयवीर और इस बार अपराइट सीम के साथ लेग ब्रेक गेंद की जा रही, खूबसूरत गेंद की जा रही है गेंदबाज की ओर से जयवीर की ओर से। अब गेंदे बच रही है 10 गेंदों में अब चाहिए 14 रन, 10 बॉल 14। और यही है कि जहां 14 रन चाहिए तो वहां 6-8 का ओवर किया जाए, ये रणनीति के साथ गेंदबाजी की जा रही है। पहले ओवर में केवल 3 रन दिए गए थे, मतलब इस टीम के सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज है जयवीर पनखुटा आर्या रिबरा फाउंडेशन के लिए। और इस बार शो को खेला जरूर था, पावर के साथ शो को खेला जा रहा है, 1 बाउंस 4 रन चली जाएगी। अब 9 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 10 रन, 9 बॉल 10 रन। क्या पारी खेली जा रही है राकेश की ओर से, राकेश बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 गेंदों के ऊपर 11 रन, मतलब डबल अंकों में बल्लेबाजी करने वाले पहले बल्लेबाज है योगेश किंग भव्य 11 के लिए। पहले 31 ऊपर रोका गया 5 सीमित ओवरों में, डिसिप्लिन गेंदबाजी की गई। अब 9 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 10 रन। मैच ये बेसिक के ऊपर भी मैच खेला जा रहा है दोनों टीम की ओर से कि परिस्थितियां क्या है, परिस्थिति के अनुसार कैसी पारियां खेलना है टीम को, ये बखूबी जानती है दोनों टीमें। स्ट्राइक के ऊपर है टीम के वाइस कप्तान फील। इस प्रकार है अब देखिए राकेश अडपति के लिए, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट गली, उसके ठीक पीछे डीप का एक्स्ट्रा कवर, शॉट लॉन्ग ऑफ सर्कल के अंदर, 9 गेंदे 10 रन चाहिए। और ये इस प्रकार फ्लिक किया राकेश अडपति ने, खूबसूरत एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल बैटिंग परफॉर्मेंस भाई राकेश अडपति, छा गए आप 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके राकेश अडपति। अब 8 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए योगेश किंग भविया 11 पिपलोद को। और इस बार फिर से शो को खेला, ये गेंद फिर से चली जाएगी 6 रन के लिए। क्या पारी खेली जा रही है